प्रदेश के भर्ती परीक्षा व रोजगार से संबंधित विभिन्न समस्याओं के संबंध मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने निकले सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश गुप्ता के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड से अपने साथियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन देने जा रहे थे, तभी विश्वविद्यालय मार्ग पर भारी पुलिस बल ने जबरदस्ती सपा कार्यकर्ताओं को रोककर एसीपी कर्नलगंज ने ज्ञापन लेकर आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री तक ज्ञापन भेज दिया जाएगा। सपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि एक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भर्ती परीक्षा में लगातार धांधली पेपर लीक, जिसमें प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश सिविल जज परीक्षा RO ARO भर्ती परीक्षा व PCS की परीक्षा में आयोग द्वारा छात्रों के साथ खिलवाड़ करने को लेकर 2 UPPSC में हजारों पद की कई भर्तियां समकक्ष 48 अर्हता नियमावली में बदलाव को लेकर रोक दी गई है, जैसे GICLT ग्रेड लेक्चर BO APCS J GDC, इनका अध्याचन भी कई बार भेजा जा चुका है। 2 शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में अनावश्यक देरी, फलस्वरूप TGT PGT 2022 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2022 शिक्षक भर्तियों की परीक्षाओं में जानबूझकर देरी की जा रही है। माध्यमिक की 2011 तक की भर्तियां लंबित हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला, जिसमें प्रदेश के पिछड़े वर्ग के छात्रों के भविष्य के साथ बहुत ही मनमाने तरीके से धोखाधड़ी का कार्य किया गया, जो कि पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। 4 UPSSSC की लगभग 32 भर्तियां 2015 से लंबित हैं। उदाहरण के लिए अभी तक 2016 की एक भर्ती कंबाइंड टेक्निकल की लिखित परीक्षा का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ। पैट 2022 और पैट 2023 के अंतर्गत निकली लगभग 20 भर्तियों की परीक्षा ही नहीं हुई, न कोई एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया। UPSSSC में न तो स्थायी चेयरमैन की नियुक्ति की गई है और न ही अब जो अध्याचन आए हैं उनका विज्ञापन निकाला जा रहा है। 6 एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2021 भी लिखित परीक्षा के बाद रोक दी गई है। कुल मिलाकर सभी भर्ती संस्थानों की भर्तियां रुकी हुई हैं या रोक दी गई हैं। इस मौके पर अखिलेश गुप्ता गुड्डू, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी लोहिया वाहिनी, आशुतोष यादव गुड्डू, संदीप विश्वकर्मा, रोहित यादव महामंत्री, राहुल पटेल, नवनीत यादव, अजय राज त्रिपाठी, शैलेंद्र यादव, गौरव गौर, सुधीर क्रांतिकारी, अनुपम यादव, आशुतोष मौर्य, विवेक विक्की, प्रियांशु विद्रोही, शैलेश गुप्ता, अमरेंद्र सिंह, आयुष गुप्ता, विकास यादव, आदित्य वर्मा, आदित्य यादव आदि लोग उपस्थित रहे। खबर जगत के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। लोहिया वाहिनी फौजी पार्टी में जुड़े नौजवान जो इलाहाबाद विद्यालय के छात्र नेता है, आज भी लोगों ने इलाहाबाद माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पे होकर के हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के गए, जहाँ पर पुलिस प्रभावन भारी बल के बाद हम लोग को रोक लिया। हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन देने जा रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नौजवान अपने को ठगा महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के चेहरे पर से खुशी छीन ली गई है। जब उत्तर प्रदेश की सरकार योगी की बन रही थी तो उन्होंने कहा था, नौजवानों मेरी सरकार बना देना, मैं आपके चेहरे को भी दूंगा, आपको नौकरी दूंगा। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो भी भर्तियाँ हों, उत्तर आपके बगल माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है, TGT PGT का 2022 में भरा हुआ, 3 साल हो गए भर्ती नहीं हो पा रही, लंबी तो एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। चाहे आप देख रहे हैं PCO का पेपर लगातार चल जा रहा है, आप देख रहे हैं 69,000 जो भर्ती थी जिसमें फिर भर्ती में जो आरक्षण नहीं लागू कर पा रहा है भाई पे जो है, ये जो भी RO ARO से लेकर तमाम जो भर्ती है वो भर्ती को तुरंत तत्काल कराया जाए, और नहीं कराया जाएगा तो हम पूरी पार्टी के लोग धरने पर बैठने के लिए बाध्य हो गए। मैं अक्षय गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव।